देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम बुलेटिन में हम देखेंगे, एक मिनट में 75 की जगह सिर्फ 10 बार धड़क रहा है लालू यादव का दिल, डॉक्टर घबराए हुए हैं, और दूसरी तरफ IRCTC मामले में लालू को मिली जमानत। दूसरी प्रमुख खबर है देश के सबसे बड़े खादी मेले का आगाज। तीसरी खबर में हम देखेंगे, ममता नहीं रोक पाई शाह की रथ, हाईकोर्ट ने दी अनुमति। चौथी खबर, कांग्रेस विधायक निर्मला देवी की सजा निरस्त। आज के प्राइम में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए काम किया है। उनका नाम है BK झंवर, भविष्य दृष्टा, उद्योगपति। आज के राजनीतिक हलचल में हम देखेंगे, कोलेबीरा उपचुनाव में 64% मतदान, NDA को झटका, महागठबंधन में शामिल हुए कुशवाहा। आज की प्रमुख हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है, सिमडेगा में प्रेम प्रसंग में पति पत्नी और बच्ची की हत्या, बिहार के बड़े व्यवसायी गुंजन खेमका की दिन दहाड़े हत्या। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राजद सुप्रीमो और लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर भी घबराए हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार लालू प्रसाद के जिस दिल को एक मिनट में कम से कम 75 बार धड़कना चाहिए, वह अभी एक मिनट में मात्र 10 से 12 बार धड़क रहा है। यह स्थिति खतरनाक है, इससे रिम्स के डॉक्टरों का टेंशन बढ़ गया है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले ही लालू प्रसाद की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे में उनके दिल का इतना धीमा धड़कना अच्छा नहीं है। चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में भर्ती हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर DK झा ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की हृदय गति अनियंत्रित है। डॉक्टर DK झा ने बताया कि एक मिनट में 10 से 12 बार हृदय अनियंत्रित तरीके से धड़क रहा है। उन्होंने कहा कि जब से लालू प्रसाद यादव यहां आए हैं, तब से तकरीबन 50% दिन उन्हें एंटीबायोटिक देना पड़ा है, जबकि 4 बार इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो गई है। साथ ही लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक और खबर, गुरुवार को लालू प्रसाद यादव को IRCTC मामले में जमानत मिल गई। उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेइंग वार्ड से पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान बिरसा मुंडा कारागार के जेल सुपरिटेंडेंट और लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर DK झा मौजूद रहे। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आगाज। CM रघुवर बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो खादी अपनाए। रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का गुरुवार को आगाज हुआ। खादी मेला में 20 राज्यों के 1100 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। मानो खादी मेला में लघु भारत उतर आया हो। 6 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। साथ ही CM ने खादी बोर्ड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का शुभारंभ किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो खादी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि स्वाभिमान है। महात्मा गांधी ने खादी के माध्यम से देश में स्वराज के साथ सुराज का सपना देखा था। सही मायने में महात्मा गांधी के सपने को खादी को बढ़ावा देकर पूरा किया जा सकता है। कहा कि खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ अच्छा काम कर रहे हैं। खादी के माध्यम से झारखंड में रोजगार का सृजन हो रहा है, महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की तीसरी प्रमुख खबर पर, भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को कोलकाता हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। गणतंत्र बचाओ यात्रा को मंजूरी मिलने से राज्य की ममता सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्य सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का हवाला देकर रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार किया था। रथ यात्रा रोके जाने पर ममता सरकार पर BJP अध्यक्ष अमित शाह ने जमकर निशाना साधा था और खुद मोर्चे पर जुट गए थे। कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता। साथ ही निर्देश दिया कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कहीं भी कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। यह निर्णय निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की चौथी प्रमुख खबर पर। रामगढ़ कोर्ट ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी की सजा निरस्त कर दी है। विधायक ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सजा को चुनौती दी थी। उनकी अपील की सुनवाई गुरुवार को रामगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने निर्मला देवी की अपील को स्वीकार कर लिया। साथ ही 30 मई 2018 को निर्मला देवी को सुनाई गई 15 दिनों की जेल की सजा को निरस्त कर दिया। बता दें कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में उड़न दस्ता के मजिस्ट्रेट के लिखित बयान पर निर्मला देवी के खिलाफ पतरातू थाना में मामला दर्ज हुआ था। मजिस्ट्रेट ने निर्मला देवी के 3 प्रचार वाहन जब्त किए थे। आरोप था कि ये वाहन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के चलाए जा रहे थे। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए काम किया है, जिन्हें भविष्य दृष्टा उद्योगपति कहा जाता है। उनका नाम है बीके झवर। झारखंड के निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन समूह के संस्थापक बसंत कुमार झवर का नाम सौम्य, भविष्य दृष्टा और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित है। वह केवल उद्योगपति ही नहीं, एक सहज सरल इंसान भी है। वर्ष 1960 में उषा मार्टिन समूह की स्थापना करने वाले बसंत कुमार झवर ने हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। वर्ष 1961 में स्कॉटलैंड की मार्टिन ब्लैक के साथ साझेदारी में उन्होंने उषा मार्टिन ब्लैक नामक कंपनी स्थापित की, जिसमें वायर रोप बनते थे। इस कंपनी को उन्होंने इतनी ऊंचाई दी कि 5 दशक में ही यह कंपनी पूरी दुनिया में छा गई। परिवार का मुखिया होने के नाते कंपनी की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई और उषा मार्टिन को उन्होंने प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने कालक्रम में विदेशी कंपनियों की साझेदारी में इस्पात व्यवसाय में कदम रखा और उषा एलॉयज स्टील की स्थापना की। इसके बाद बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की साझेदारी से उषा बेल्ट्रॉन की शुरुआत की। यहां एजी केबल जर्मनी के सहयोग से दूरसंचार के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले जेली भरे केबल का उत्पादन शुरू किया। बसंत बाबू के नाम से प्रख्यात श्री झवर ने अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत में ही कामयाबी का स्वाद चख लिया था, लेकिन इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उनका मानना था कि गरीबी के सागर के बीच में कोई संपन्नता या कामयाबी के टापू पर नहीं रह सकता है। उन्होंने समाज में फैली गैर बराबरी को बेहद गहराई से महसूस किया। उनका मानना था कि यह गैर बराबरी जानकारी और कौशल के अभाव के कारण पैदा हुई है। सामाजिक विकास के उनके भरोसे और प्रेम ने समाज के अंतिम किनारों पर बैठे लोगों के उत्थान के लिए उन्हें प्रेरित किया। तब बसंत बाबू ने 1971 में उषा मार्टिन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत झारखंड में कृषि ग्राम विकास केंद्र की शुरुआत की। यह केंद्र रांची के बाहरी इलाके टाटी सिलवे में उषा मार्टिन के संयंत्र के पास स्थापित हुई। उस वक्त झारखंड जो बिहार का हिस्सा था कि 60% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती थी। केजीवीके की बसंत बाबू की परिकल्पना ने न केवल सामाजिक विकास का नया अध्याय लिखना शुरू किया, बल्कि इसने सामाजिक उद्यमिता को भी नया आयाम दिया। बसंत बाबू ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज के निदेशक मंडलों के अलावा 6 वर्ष तक ICICI के निदेशक भी रहे। वह 8 वर्ष तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे। इसके अलावा देश के प्रख्यात शिक्षण संस्थाओं से भी वह संबद्ध रहे। इसमें एलन मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर, बिरला हाई स्कूल कोलकाता, श्री शिक्षा निकेतन ट्रस्ट कोलकाता, XLRI जमशेदपुर, कोलकाता बिजनेस स्कूल, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया शामिल है। वह भारतीय उद्योग परिसंघ से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे और कई राष्ट्रीय समितियों के अध्यक्ष रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बसंत बाबू ने उल्लेखनीय काम किया। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कई संस्थान शुरू किए। उन्होंने DVM गुरुकुल शुरू किया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं।
बसंत बाबू इस गुरुकुल को नंगे पैर वालों का बिजनेस स्कूल कहते हैं। बसंत बाबू झारखंड के सामाजिक उत्थान और उद्यमिता के पर्याय बन गए हैं। उनके मार्ग निर्देशन में KGBK को 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से टेरी CSR पुरस्कार भी मिला। आइए अब नजर डालते हैं आज के राजनीतिक हलचल पर। कोलेबीरा उपचुनाव में 64% मतदान। कोलेबीरा विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यहां 64% मतदान की खबर है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई। नक्सली इलाकों समेत सभी जगह वोटरों में उत्साह दिखा। अब 23 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग का इंतजार है, जब जनता का फैसला सामने आएगा। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक कुल 270 बूथों पर वोटिंग हुई। मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी मतदान के लिए कतार में खड़े नजर आए। मतदाताओं में उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 100 वर्ष के बुजुर्ग कतार में खड़े होकर मतदान कर रहे थे। RC मध्य विद्यालय जाम पानी बूथ पर 3 वृद्ध मतदाता, सरानी बागे 103 वर्ष, मरियम बागे 57 वर्ष और राहिल क्रिकेटा 96 वर्ष ने कतार में खड़े होकर मतदान किया। NDA को झटका, महागठबंधन में शामिल हुए कुशवाहा। केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को गुरुवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भाजपा विरोधी महागठबंधन में शामिल हो गई। कांग्रेस मुख्यालय से इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव और कांग्रेस नेता अहमद पटेल मौजूद थे। कुशवाहा ने कहा कि NDA में उनका अपमान हो रहा था। दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग उनका स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए हुए थे। कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव और राहुल गांधी ने उदारता दिखाई, वह जनता की भावना का कद्र करते हुए महागठबंधन में आए हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। सिमडेगा में प्रेम प्रसंग में पति पत्नी और बच्ची की हत्या। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र के तलमंगा डीपा टोली गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 10 साल की बच्ची शामिल हैं। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंध के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तिहरे हत्याकांड की सूचना पुलिस को गुरुवार की सुबह मिली। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बिहार के बड़े व्यवसायी गुंजन खेमका की दिन दहाड़े हत्या। बेलगाम बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार को दिन दहाड़े बिहार के बड़े व्यवसायी गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। वह भाजपा नेता गोपाल खेमका के पुत्र थे। घटना वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में घटी। व्यवसायी गुंजन दिन के करीब 1 बजे पटना से हाजीपुर के पासवान चौक के पास अवस्थित अपनी फैक्ट्री में पहुंचे थे। कार से उतरकर वह दफ्तर जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग की। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं उनका ड्राइवर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। गुंजन पर अपराधियों ने पहले भी हमला किया था, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।